सबसे पहले हम सर्च करेंगे सिंपल टैक्स uh, तो ये सिंपल टैक्स का आ गया फ्री कैनेडियन टैक्स रिटर्न तो ये पेज खुलेगा तो वेल सिंपल टैक्स का ये पेज खुलेगा तो स्टार्ट योर ट्वेंटी ट्वेंटी टैक्स रिटर्न ये हम क्लिक करेंगे इसके बाद आएगा आई एम न्यू टू फिलिंग टैक्स विद यू तो ये इस पर क्लिक करेंगे हम इसके बाद ये पेज खुल जाएगा इसमें हम अपना ई मेल और पासवर्ड डालेंगे ई मेल और पासवर्ड uh, डालेंगे तो हम uh, इसमें लॉगिन कर देंगे लॉगिन करने के बाद हमारा एक नया पेज खुलेगा तो नए पेज के अंदर हम अपना पहले नाम लिख देंगे फिर उसके बाद लास्ट नेम फिर उसके बाद ईमेल आईडी अपना इसके बाद सोशल इंश्योरेंस नंबर इसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश इफ़ दिस रिटर्न फॉर द रिसन नो न्यू फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी नेट फाइल एक्सेस कोड अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये भरने की और अगर सेकंड टाइम भर रहे हो तो आपके पास एक कोड आएगा एक्सेस कोड नेट फाइल का इसके बाद आएगा अपना कैनेडियन मेलिंग एड्रेस आप डालिए केयर ऑफ अपना नाम अपना यूनिट या अपार्टमेंट नंबर स्ट्रीट नंबर स्ट्रीट नेम सिटी आप कौन सी सिटी में रहते हो जैसे मैं मॉन्ट्रियल में रहता हूँ और ये प्रोवेंस मैं क्यूबेक में रहता हूँ और ये पोस्टल कोड यहाँ पे पोस्टल कोड आएगा और अगर आपका कोई होम टेलीफोन नंबर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद आएगा अबाउट योर रेसिडेंस इन विच प्रोवेंस और टेरिटरी डिड यू लाइव इन ऑन दिसंबर थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी तो जैसे मैं रहता हूँ क्यूबेक के अंदर तो मैं क्यूबेक का डालूँगा और इफ़ योर प्रोवेंस और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस चार्ज चेंज इन 2020 एंटर द डेट ऑफ योर मूव तो ये जब हम चेंज uh, किया है तो उसकी डेट लिखनी है इन विच इज योर होम एड्रेस द सेम एज़ यस डिड योर एड्रेस चेंज इन 2020 नो no. अगर आपका चेंज हुआ तो आप येस yes कर सकते हैं इन विच प्रोवेंस और टेरिटरी डू यू करंटली लाइव इन डी यू बिकेम आ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा इमिग्रेंट फॉर टैक्स पर्पज इन ट्वेंटी ट्वेंटी अगर आपका बैंक अकाउंट है यहाँ का बैंक के आ, बैंक में अकाउंट है तो आप येस करेंगे डू यू अग्री डेट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबलिटी येस रीज़न फॉर योर अराइवल एज अ स्टूडेंट तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा एज अ स्टूडेंट फॉरन स्टूडेंट डेट ऑफ एंट्री कब आप आए थे यहाँ पर तो आप अपनी जब आप आए थे उस दिन की डेट लिख दीजिए कैनेडियन सोर्स ऑफ इनकम तो इसमें आप जीरो लिखोगे

डिज यूर मार्शल स्टेटस चेंज इन ट्वेंटी ट्वेंटी अगर बदलाए तो यस yes करेंगे नहीं तो नो डिज यू हैव एनी डिपेंडेंट नो डिज यू ओन आ होल्ड स्पेसिफिक फॉरन प्रॉपर्टी नो इसमें आप नो लिख देंगे डिज यू डिस्पोज यिपल रेजिडेंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी नो Are you filling on income tax return with the CRA first time? Yes. Are you Canadian citizen? No. Are you a person registered under the Indian Act? No. Or were you confined to a prison for a personal of 90 days? No. Did you receive or give uh, someone virtual currency? No. अपना जेंडर लिख देंगे वर का टेलीफोन नंबर वर यू सिंगल पेरेंट्स और डिड यू लाइव नो आर यू फीलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम यस आर यू फीलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न विद द रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विल यू क्लेम द सोलटरी ट्रैक्स क्रेडिट नो डू यू हैवे बेसिक प्रिस्प्स ट्रक इंश्योरेंस थ्रू ग्रूप ऑफ इंश्योरेंस येस अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप उसका नंबर डाल सकते हैं येस इसके बाद आता है सी आर ए का अकाउंट अगर आपका अकाउंट है तो येस करेंगे या नो करेंगे और फिर उसके बाद आता है डू यू वॉन्ट टू साइन अप फॉर ऑनलाइन मेल टू गेट द फेडरल नोटिस ऑफ असमेंट थ्रू अगर आपको चाहिए तो येस करेंगे या तो नो और अगर आपको क्यूबे की तरफ से नोटिस ऑफ असमेंट चाहिए तो येस करेंगे या नो और इसके बाद अगर आपको सोलिडी टैक्स क्रेडिट का नोटिस चाहिए तो आप ये चाहिए तो यस करेंगे या नो करेंगे इसके बाद आता है टी फोर तो टी फोर का सबसे ज़रूरी काम है सबसे पहले भरेंगे हम एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम करते हो जैसे मैं टीम होटल में पहले काम करता हूँ तो टीम होटल का भर देंगे फिर अगर आप जहाँ पे रहते हैं तो जैसे मैं क्यूबेक में रहता हूँ क्यूबेक का भर देंगे और टी में जितने भी आपको डिजिट दे रखे हैं जैसे यहाँ पर दे रखे फोटीन सिक्सटीन सेवेंटीन तो 14, 16, 17 के सामने जितने भी बॉक्स में T4 में जो भी डिजिट दे रखे हैं वो सब यहाँ पे ये बॉक्स में भर देने हैं ऐसे जैसे जैसे दिए हुए हैं वैसे कि वैसे भर देने T4 के बाद आता है RL एल स्लिप आर एल स्लिप जहाँ पर भी आप काम करते हो तो वहाँ से आपको एक T4 फ़ॉर्म मिला होगा और एक आर एल स्लिप का फॉर्म मिला होगा तो जो भी आर एल स्लिप के अंदर जो भी डिजिट दे रखे होंगे ए बी सी डी में वो सब ये जो भी बॉक्सेस दे रखे हैं वो सब ये बॉक्सेस में डाल देने ऐसे कि ऐसे ही इसके बाद हम सर्च करेंगे ट्यूशन फी का कॉलम तो ये रहा ट्यूशन एंड एजुकेशन अमाउंट तो इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें आ जाएगा यू मे बी एबल टू क्लेम मर टैक्स क्रेडिट इफ़ यू अटेंड अ पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम इन ट्वेंटी तो अगर आपने कर रखा है तो आप कर येस कर देंगे तो ऐसा एक पूरा खुल जाएगा तो यहाँ पे आप अपना आ, कोर्स का नाम लिख देंगे और जितनी आपकी ये ट्यूशन फी है और पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम फुल टाइम है तो फुल टाइम मेरी तो फुल टाइम है तो मैंने फुल टाइम कर दिया था और उसके बाद कॉलेज की तरफ से आपको आर एक आर एल एट स्लिप मिली होगी तो जितने भी उसमें अमाउंट लिखी हो वो यहाँ पे ए बी सी में लिख देने का इसके बाद है डू यू हैव ए डिसेबिलिटी और इम्पोर्टेंट डेट प्रिवेंट यूर ऑन अ फुल टाइम तो नो सोलडी टैक्स क्रेडिट रिसीव इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो येस है तो येस या तो नो कैनेडा ट्रेनिंग क्रेडिट ये नो और अर्लियर स में वर यूर पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन और पहले आयो तो यस करेंगे या तो अभी आयो तो नो करेंगे अगर यस करेंगे तो आपको इसमें ये सब खुल जाएगा तो आप पहले की ट्यूशन फी की जो भी अमाउंट है वो सब डाल देंगे तो इसके बाद आपको लास्ट में समरी दिख जाएगी कि आपने जितनी भी अमाउंट भरी है तो वो ये फेडरल रिफंड में ये आ जाएगी क्यूबेक रिफंड में ये आ जाएगी इसके बाद आएगा जी एस टी एस ए टी क्वालिटी अमाउंट ये वो है जो आपको आ, कहा जाता है कि वेलकम टू कनाडा तो हर ये तीन तीन तीन, तीन महीने बस सेवेंटी फोर डॉलर करके करके आता है और इसके बाद आएगा, आएगा आपको जो भी आपने भर रखा है फॉर्म में जो जो डिटेल आकर टैक्स रिटर्न के फॉर्म में पेपर uh, पे आपको uh, कैसा दिखता है ये देखना है तो फिर आप यहाँ पे जो भी ये समरी में दे रखा है इसके नीचे कॉलम दे रखा है वहाँ से आप है ना uh, देख सकते हैं